गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में अपन डिस्कस कर रहे थे सेपरेशन टेक्निक, है ना। सेपरेशन टेक्निक में अपना लास्ट मेथड क्या था? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से एयर में जो गैसेस के कंपोनेंट्स होते हैं उसको सेपरेट कर। ओके, लास्ट सेपरेशन मेथड अपने पास आता है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या करते हैं? क्रिस्टलाइजेशन मेथड, क्रिस्टलाइजेशन मेथड किसके लिए यूज करते हैं ना, कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा सॉल्यूशन हो, एक ऐसा होमोजेनियस मिक्सचर हो जिसमें एक कंपोनेंट सॉलिड स्टेट में और दूसरा कंपोनेंट जो है वो लिक्विड स्टेट में, है ना। कि अगर आपके पास कोई होमोजीनियस मिक्सचर हो, होमोजीनियस मिक्सचर इसमें आपके पास सॉल्वेंट जो है वो कौन सी स्टेट में? लिक्विड स्टेट में। और सॉल्यूट जो है वो आपके पास अगर सॉलिड स्टेट में हो तो अपन क्या करते हैं उसके सेपरेशन के लिए? क्रिस्टलाइजेशन मेथड यूज करते। क्या होता है क्रिस्टलाइजेशन मेथड? बहुत सिंपल है कि आपने क्या करा, लेट मी अज्यूम कि अपन ने एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करा, मींस कि अपन ने क्या करा कि कॉपर सल्फेट है, CuSO4 इज नोन एज कॉपर सल्फेट प्लस वाटर को ऐड करके एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन का। अब इस सॉल्यूशन में से अपने को वाटर और कॉपर सल्फेट को क्या करना है? सेपरेट करना है। कॉपर सल्फेट को अलग करना है, वाटर को अलग करना है। तो अब अपन क्या करेंगे कि जो ये सॉल्यूशन है इसको कुछ टाइम तक अपन रूम टेम्परेचर पर, जो इसमें लिक्विड पोर्शन रहता है, जो वाटर रहता है, उसको इवेपोरेट होने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे आपने सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन बनाने के बाद अपन क्या करेंगे कि जो कंटेनर, जिस कंटेनर में सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करा है, उस कंटेनर को फॉर वन डे ले लीजिए या फॉर 3 to 4 hours, फॉर 5 to 6 hours अपन क्या करें इसको इवेपोरेशन के लिए रख देते हैं। तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट है या जो वाटर प्रेजेंट है वो इवेपोरेट हो जाएंगे। इवेपोरेशन का मीनिंग क्या होता है? मीनिंग ऑफ इवेपोरेशन इज कि जो आपके पास लिक्विड जो है उसको उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर वेपर में कन्वर्ट कर, ठीक है ना। तो मोस्ट ऑफ वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाता है, पूरा नहीं, मोस्ट ऑफ वाटर जो है वो जब इवेपोरेट हो जाता है तो जो आपके पास सॉलिड सब्सटेंस है वो उस कंटेनर में सेटल डाउन हो जाता है। सेटल डाउन का मतलब क्या होता है कि वो नीचे बैठ जाता है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, थ्रू द फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर से इसको फिल्टर करेंगे, तो फिल्टर करने पर अपने को क्या मिलेगा? एक तो कॉपर सल्फेट प्लस जो नीचे फिल्ट्रेट है वो आपके पास क्या रह जाएगा? वो। और इस कॉपर सल्फेट पे क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर लेंगे। कि सर क्रिस्टल का फॉर्मेशन कैसे करेंगे कॉपर सल्फेट का? कि जो कॉपर सल्फेट मिला है फिल्टर पेपर पर उसको कुछ टाइम के लिए फिर रख देंगे, तो धीरे धीरे जितना भी वाटर है वो सारा का सारा इवेपोरेट हो जाएगा और अपने को क्या मिलेगा? कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो कोई भी आपके पास सॉलिड का जो एक्वस सॉल्यूशन हो उसमें से सॉलिड पार्टिकल्स को अगर सेपरेट करना हो तो उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं? ये इवेपोरेशन वाला मेथड यूज करते हैं। इस इवेपोरेशन वाले मेथड में अपन क्या करेंगे कि जिस भी कंटेनर में सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर रहे हैं उस कंटेनर को अपन क्या करेंगे कि लैब में या फिर कहीं पे भी फॉर 3 to 4 hours, 5 to 6 hours रख देंगे, जिससे धीरे धीरे वाटर मॉलिक्यूल सारा इवेपोरेट हो जाएगा और अपने को क्या मिल जाएगा? कॉपर सल्फेट से क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा। इसको अपन कौन से प्रोसेस कहते हैं? क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। अगर आपके पास सॉलिड को सेपरेट करना हो तो इस प्रोसेस का अपन यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट अपन ने जो जो अभी तक मेथड्स देखे हैं सेपरेशन के उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि सेपरेशन टेक्निक कौन कौन सी है। थोड़ा सा एक और रिकॉल हो जाएगा ना। सेपरेशन टेक्निक,
कौन सी सेपरेशन टेक्निक। जैसे सबसे पहले अपन ने किसके बारे में डिस्कस करा, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन मीन्स क्या होता है कि अगर आपके पास हिटरोजीनियस मिक्सचर प्रेजेंट, हेट्रोजीनियस मिक्सचर प्रेजेंट हो, तो अपन प्यूरिफिकेशन के लिए क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन यूज करते हैं। कि सर कहाँ करा था, मैंने कहा एग्जांपल क्या आया था अपने पास, बटर फ्रॉम मिल्क, बटर फ्रॉम मिल्क। फिर अपने पास एक और मेथड आया था, उसको अपन ने क्या कहा था, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का यूज कहां करते हैं कि आपके पास होमोजेनियस मिक्सचर हो, होमोजेनियस मिक्सचर प्रेजेंट हो, तो कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए अपन इवेपोरेशन करते हैं, जिसमें दोनों ही कंपोनेंट जो है वो कौन सी स्टेट में हो, लिक्विड स्टेट। दोनों ही कंपोनेंट कौन सी स्टेट में हो, लिक्विड। एक और प्रोसेस आएगी अपने पास अभी, सेडिमेंटेशन। सर इसका यूज कहां करते हैं कि अगर आपके पास वाटर में सैंड पार्टिकल्स की इंप्योरिटी हो, तो अपन क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन का यूज करते हैं। कि सर क्या होता है इस प्रोसेस में, इस प्रोसेस में क्या होगा कि अगर आपके पास वाटर में सैंड पार्टिकल्स प्रेजेंट, तो आप अपन क्या करेंगे कि उस इम्प्योर वाटर को कुछ टाइम के लिए किसी बीकर में या किसी कंटेनर में रख देते हैं। कि सर उससे क्या होगा, ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण क्या होगा कि जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो हैवी पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और ऊपर अपने पास क्या रह जाता है, वो। ये प्रोसेस जो है वो अपन जो प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर है उसमें भी यूज करते हैं। कि सर कैसे यूज करेंगे कि अपन ने देखा होगा कि आपने देखा होगा कि आपके घर पे भी इम्प्योर वाटर आता होगा, इम्प्योर वाटर जिसमें डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो अगर आप कुछ देर तक उसको क्या करते हो कि किसी ग्लास में या किसी बड़े कंटेनर में रख देते हो, तो धीरे धीरे सैंड पार्टिकल्स तो सारे नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और वाटर आपके पास ऊपर रहता। तो ये जो सैंड पार्टिकल्स हैं ये ग्रेविटी के कारण से, ड्यू टू ग्रेविटी क्या होंगे, नीचे जो है वो डिपॉजिट हो जाएंगे और वाटर जो है वो क्या हो जाएगा, प्यूरिफाई हो जाएगा। तो इस प्रोसेस का यूज कब करते हैं, जब जैसे वाटर में सैंड पार्टिकल्स प्रेजेंट हो, इस प्रोसेस का यूज करते हैं। एक प्रोसेस और थी अपने पास, कौन सी, सब्लिमेशन। आपके पास क्या थी, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का यूज कहां करते, सब्लिमेशन कब आता है, जब आपके पास सॉलिड सॉल्यूशन हो, मीन्स बोथ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट। फॉर एग्जाम्पल अपन ने देखा था NH4Cl प्लस NaCl, तो उसमें क्या होगा कि NH4Cl का जो बॉइलिंग पॉइंट है या फिर जो सब्लिमेशन टेम्परेचर है वो कम होता है, तो NH4Cl क्या होगा, सॉलिड स्टेट से सीधा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और अपने को क्या मिल जाएगा, NaCl। एक अपने पास और मेथड आया था, वो कौन सा था, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का यूज भी किसके लिए करते हैं कि अगर आपके पास सॉल्वेंट और सॉल्यूट बोथ आर द लिक्विड, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो क्या कर देता है आपके पास कि बॉइलिंग पॉइंट जिसका कम होगा, कम बॉइलिंग पॉइंट होगा तो वो सीधा वेपर का फॉर्मेशन करेगा, वेपर का फॉर्मेशन करेगा तो उसको वापस अपन कंडेंस करके लिक्विड में कन्वर्ट कर लेंगे। एक अपने पास और मेथड आया था, वो क्या था, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब यूज करते हैं, इसमें भी आप अपन क्या करेंगे कि राउंड बॉटम फ्लास्क में जो भी मिक्सचर है उसको हीट करेंगे, बट यहाँ पे दो लिक्विड जो है उनके बीच में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो है, डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट वो कितना होना चाहिए, 25 केल्विन से कम, तो अपन क्या यूज करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मैथड यूज करेंगे। एक और मैथड था अपने पास, कौन सा, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड।
ये किसके लिए था कि आपके पास जो आई सॉरी इंक जो है, इंक में से या यूं कह सकते हैं डाई में से कलर कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए, फॉर सेपरेशन ऑफ कलर कंपोनेंट फ्रॉम द डाई, उसके लिए अपन कौन सा मेथड यूज करते हैं, क्रोमेटोग्राफ। तो इस चैप्टर में अपन ने टोटली इतने सारे मेथड देखे थे, सेंट्रीफ्यूगेशन था, क्रोमेटोग्राफी था, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन था, डिस्टिलेशन है, सब्लिमेशन है, सेडिमेंटेशन है ना, थोड़ा सा स्पेलिंग। सेडिमेंटेशन है और इवेपोरेशन है और सेंट्रीफ्यूगेशन है। ये जो सेडिमेंटेशन है इसका यूज अपन कहाँ करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट में भी करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट में। ये सर वाटर ट्रीटमेंट का मीनिंग क्या हो गया कि जो इम्प्योर वाटर है उसके प्यूरिफिकेशन के लिए अपन इसका यूज करते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है कि जितने भी हैवी पार्टिकल्स है वो ग्रेविटी के कारण सेटल डाउन हो जाते हैं और वाटर को धीरे धीरे अपन क्या कर लेंगे, प्यूरिफाई कर लेंगे। ओके, तो ये टोटल मेथड थे, सेपरेशन टेक्निक थी अपने चैप्टर में जो अभी तक अपन ने डिस्कस करी। अब इस चैप्टर में क्या रहता है, दो टॉपिक रहते हैं, एक तो आपके पास आता है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर और एक आपके पास आते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, उसके साथ ही जो अपना चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो आइए देखते हैं कि प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर कैसे करते हैं। तो बच्चों ये डिफरेंट मेथड्स थे जो अपन ने इस चैप्टर में क्या करे हैं, यूज करे हैं सेपरेशन टेक्निक, कि आपको क्या है कि कब कौन सा मेथड यूज करना है, किस मेथड में क्या करते हैं ना। तो जो अपना चैप्टर है वो अपना 90% कंप्लीट हो चुका है, अपन कल तक इसको एकदम कंप्लीट करके कल थोड़ी बहुत एनसीईआरटी भी सॉल्व कर लेंगे अगर अपने पास टाइम रहा तो, है ना। जो इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस हैं, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व कर लेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्या आता है अपने पास, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट जो अपने पास मेथड आता है वो आता है वाटर का प्यूरिफिकेशन, कैसे होगा प्यूरिफिकेशन। वाटर का प्यूरिफिकेशन करने के लिए अपने को डिफरेंट मेथड यूज में लिए जाते हैं, इसमें सेडिमेंटेशन भी है, इसमें क्लोरीनेशन भी है ना, इसमें आपके पास क्या है, फिल्टरिंग भी है। अब फिल्टर के लिए क्या करते हैं, क्लोरीनेशन के लिए क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन के लिए क्या करते हैं, कि सबसे पहले वहां से वाटर सप्लाई करते हैं जहां पे वाटर को रिजर्व रखा जाता है ना, रिजर्व रखते हैं वहां से, फिर लोडिंग करते हैं वाटर। लोडिंग करने के बाद में अपन क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन करते हैं। सेडिमेंटेशन जो प्रोसेस है उसमें अपने को पता है क्या होता है कि जितने भी हैवी पार्टिकल्स हैं या जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे डस्ट पार्टिकल कहाँ सेटल डाउन हो जाते हैं, नीचे। फिर अपन क्या करते हैं, वाटर का फिल्टर करते हैं। जब वाटर को फिल्टर करते हैं तो वहां पे थ्री लेयर का फॉर्मेशन होता है। वाटर जो है वो सबसे लाइट है तो सबसे ऊपर रहता है और सबसे नीचे अपने पास सैंड की इम्प्योरिटी रहती है। उसके बाद इसका क्लोरीनेशन करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सर क्लोरीनेशन क्यों करते हैं, व्हाई क्लोरीनेशन इज यूज्ड। तो क्लोरीनेशन का कारण क्या है, जो क्लोरीन गैस है जो Cl2 है, ये क्या यूज होती है, एज ए डिस इन्फेक्शन के लिए यूज करते हैं। कि सर डिस इन्फेक्शन क्या होता है कि वाटर में जो आपके पास बैक्टीरिया है, जो डिजीज कॉजेस बैक्टीरिया है, उनको किल करने के लिए अपन क्या करते हैं, वाटर का क्लोरीनेशन करते हैं। जो आपके पास वाटर का प्यूरिफिकेशन करते हैं, यानी कि यूं मान लो कि अपने पास पहले रिजर्व जहां पे वाटर कर रखा है वहां से पहले अपन वाटर को लोड करेंगे। लोड करने के बाद यहाँ अलग अलग टैंक बने होते हैं, रिजर्व वाटर, फिर आता है लोडिंग टैंक, फिर आता है आपके पास सेडिमेंटेशन टैंक, फिर आता है आपके पास फिल्ट्रेशन टैंक, फिर आपके पास आता है क्लोरीनेशन टैंक, और उसके बाद वाटर जो है वो क्या हो जाता है, आपके पास प्योर हो जाता है। पहले आपके पास वाटर आएगा लोडिंग टैंक, लोडिंग टैंक के बाद जाएगा सेडिमेंटेशन टैंक में, जहां पे सैंड पार्टिकल्स या जो आपके पास इम्प्योरिटी हैवी इम्प्योरिटी है वो आपके पास नीचे सेटल डाउन हो जाती है और वाटर ऊपर रहता है। फिर वाटर जो है वो जाएगा फिल्ट्रेशन टैंक में। फिल्ट्रेशन टैंक में क्या होता है कि अलग अलग लेयर्स का फॉर्मेशन होता है जहां पे प्योर वाटर सबसे ऊपर रहता है।
फिल्ट्रेशन टैंक के बाद वाटर जाता है क्लोरीनेशन टैंक में। क्लोरीनेशन टैंक में क्या होता है कि वाटर में Cl2 गैस पास आउट की जाती है। Cl2 गैस पास आउट क्यों करते हैं? बिकॉज जो जर्म होते हैं, जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो डिजीज कॉज करते हैं, उसको किल करने के लिए। मीन्स जो क्लोरीन है उसका यूज क्या होता है, डिस इन्फेक्शन में यूज होता है। तो वहां पे क्लोरीनेशन के दौरान वाटर जो है वो आपके पास जर्म फ्री हो जाता है या बैक्टीरिया फ्री हो जाता है। और उसके बाद अपन क्या करते हैं कि जो वाटर है उसकी सप्लाई होती है और अपन घरों में देखते हैं कि उसको पीने के लिए या किसी और बायोलॉजिकल फंक्शन में या किसी और काम में अपन उसको क्या करते हैं, यूज। तो आज की क्लास में इतना ही डिस्कस करेंगे। कल की क्लास में अपन देखेंगे कि इसके जो डायग्राम आते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में, कि क्या क्या डायग्राम है, कैसे हर एक प्रोसेस का यूज करते हैं। और उसके साथ कल डिस्कस करेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंज के बारे में, दैट व्हाट आर द फिजिकल चेंजेस एंड व्हाट आर द केमिकल चेंजेस। और उसी के साथ ही अपन जो है कल इस चैप्टर को बाइंड अप कर देंगे। ओके बच्चों, तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।